कक्षा सातवीं कविता दो फूल और कांटे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताते हैं। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उससे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। नेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं, जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतल, भौर का है वेद देता श्याम तन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि काटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर सकता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो काटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़ापन की कसर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हों तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता।